अरे बरखुरदार, कैसे हो? जी जी खैरियत से। ये वही लड़का है ना जो इस फ्लैट में नया आया है? हाँ ये वही नौजवान है, लेकिन लड़की कौन? अरे बरखुरदार, जरा बात तो सुनो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। बरखुरदार, तुम्हारा नाम जहन से निकल गया। जी उर्वा, उर्वा अहमद। तुम गालिबन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना? जी हाँ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हो क्या? नहीं जनाब, यूनिवर्सिटी तो सुबह गया था, अभी जरा बाजार से आया हूँ। अच्छा, तो गालिबन मेहमान वगैरह आए होंगे। जी, मेहमान ही समझिए, बस 2-4 दिन की बात है, फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। इतना सारा सामान खरीद लिया हम लोगों ने। आपने उन्हें मेरे बारे में ठीक ठीक क्यों नहीं बताया? मैंने जरूरी नहीं समझा। आप किसी के सामने मुझे मेहमान क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम यहां मेहमान बनकर आई हो। 2 दिन बाद जब तुम्हें अपने गुड्डे गुड़िया याद आएंगे ना, खुद ही वापस चली जाओ। मैं भी यही सोच रहा था, मगर हो सकता है कोई रिश्तेदार वगैरह हो। अरे इसने तो कहा था कि इस शहर में इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इसके साथ लड़की, और वो भी अकेली। जमाना बड़ा खराब हो गया है। अब इस लड़के का यहाँ ना माँ ना बाप और ना कोई रिश्तेदार कौन देख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये लड़का किसी गलत चक्कर में पड़ गया है। अरे शक्ल से तो खानदानी लगता है। अरे शक्ल सूरत पे ना जाए, उसमें थोड़ी कुछ लिखा हुआ होता है कि कौन कैसा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मामला हम दोनों को तय करके मोहल्ला कमेटी को बता देना चाहिए।